अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के फजलों के से। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो मैं बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए मैं जो है सोफे से जमीन पे आ चुकी हूँ, बिकॉज अगर सोफे पे बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ तो बैकग्राउंड कोई भी नहीं आता, जस्ट वाइट वॉल आती है, तो उससे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डल हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बैकग्राउंड के लिए सोफे को यूज करूं। तो आज की जो वीडियो है वो है एक रिव्यू, ठीक है, एक प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ, जो कि है वाइटनिंग ब्लेसो का वाइटनिंग फेशियल हर्बल मड मास्क। ठीक है, ये देखें जी, ये टिंग 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 टिंग। अच्छा जी, ये है वाइटनिंग फेशियल हर्बल मड मास्क फॉर नेचुरल विद नेचुरल हर्ब्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी यूज भी कर चुकी हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। ये इस तरह की एक ट्यूब नुमा शक्ल में आता है, ठीक है, ये आप चेक करें, ये इस तरीके से ये ओपन होता है, ये इस तरीके से इसको डायरेक्ट भी आप इस तरीके से भी ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे यूज करते हैं ऐसे करके, तो इससे प्रोडक्ट थोड़ा कम यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि वाकई में ये जो क्लेम करते हैं इतना अच्छा है भी या नहीं। मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, बट आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए आज दोबारा से अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। अच्छा जी, कैमरा जो है मैंने थोड़ा सा पास कर लिया है ताकि आप लोग इजीली मेरा ये खूबसूरत सा फेस देख सकें, आई मीन टू से कि मास्क वाला फेस देख सकें। तो डरिएगा मत इस जो है फेस से। तो अब जो है हम मास्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। टिंग टैंग, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं अपने हाथ के बैक साइड पे इसको ले लूँगी। वैसे जब मैंने ये लिया था ना, तो इसमें मास्क से ज्यादा हवा भरी हुई थी। ये देखिए, आप चेक करें ये। अच्छा जी, अब जो है कैमरा थोड़ा सा मैंने पास कर लिया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं दिखा सकूं फेस पे किस तरह अप्लाई करना है और कितनी थिन लेयर में या कितनी थिक लेयर में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मास्क को ओपन कर लिया है हम लोगों ने, अब हम इसको अपनी हथेली पे अगर लेंगे तो ज़्यादा है, लेकिन ये देख लें, इसमें आधे से ज़्यादा जो है ना हवा भरी हुई है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी ट्यूब में जस्ट इतना सा होता है। प्लीज़ ब्लेसो वालों, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो प्लीज़ खुदा रहा हम पर रहम कर ले। ठीक है, ये हम आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, मिरर एक ले लेते हैं अपने हाथ में, और ये अभी मैंने फ्रिज से निकाला था तो ये बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल है, बिल्कुल पतली लेयर आपने, और सर्दियों में स्पेशली आपने बहुत पतली लेयर मास्क की लगानी होती है, बिकॉज सर्दियों में मास्क ड्राई नहीं होता। और अब जो है मैं अप्लाई कर लूंगी, और अप्लाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ, बिकॉज अभी मैं बोल सकती हूँ लेकिन बाद में मैं बोल नहीं सकूंगी जब ये ड्राई हो जाएगा। तो मास्क को मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपने मास्क को हमेशा सर्दियों में, सिर्फ और सिर्फ सर्दियों का बता रही हूँ, ठीक है, सर्दियों में ड्राई नहीं होने देना। आप लोगों ने डायरेक्ट जो है आप वॉश कर सकते हैं हल्का सा, जब वो ड्राई होने लगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अप्लाई करके और फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ इसके बेनिफिट्स। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम इस मास्क की बेनिफिट और इस मास्क के नुकसान की। ठीक है, तो इस मास्क का सबसे पहला तो कोई भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स सबसे पहले तो ये है कि ये आपके रिंकल्स लाइंस को बहुत हद तक ख़त्म करने में मदद करता है। सेकेंड थिंग्स के ये हर्बल मास्क है, ठीक है, ये हर्बल मड मास्क है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। इसमें जो है ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट हैं जो कि आपकी स्किन को टाइट
टाइट करने में मदद करता है। रोजमेरी के एक्सट्रैक्ट हैं जो कि आपकी स्किन को वाइट टोन की तरफ लेकर जाती है, और इसमें एलोवेरा है जो कि आपकी स्किन को बैलेंस रखता है, ड्राई नहीं होने देता, मॉइस्चराइज रखता है। इसके ये बेनिफिट्स हैं, और मैं इसको 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे, और इसका 110% रिजल्ट आता है। अच्छा जी, मास्क हमारे यहाँ पर ड्राई हो चुका है। सर्दियों में आपने मास्क को फुल ड्राई नहीं करना है, एटलीस्ट 5 मिनट लगाकर उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत थिन सी लेयर लगाई थी जो ड्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है स्पंज, बहुत ही प्यारा सा फेशियल स्पंज ले लिया है। तो यहाँ पर मैं जो है इसको अच्छे से वेट कर रही हूँ, पहले पूरे फेस को हल्का सा गीला करूँगी और फिर उसके बाद जो मास्क है उसको रिमूव कर दूंगी। कितना सारा गन निकल रहा है मेरे फेस से, ओ माय गॉड। खैर, इसको अच्छे से इसी तरीके से आपने उतारना है। पानी के साथ किसी साबुन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने वाटर से, नॉर्मल वाटर से इसको रिमूव करना है, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। वाओ यार, मीन्स के बहुत 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 आला रिजल्ट है। आप लोग मेरे फेस पे चेक कर सकते हैं, आई एम टोटली रिकमेंडेड। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। अभी जो है मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, ये आप लोग फेस को देख सकते हैं। बहुत सारा जो है अभी कहीं कहीं पे मास्क भी रहता है, ठीक है, और कहीं पे पानी भी है, और बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है। बहुत करीब से दिखा रही हूँ, सो सॉरी, बट करीब से दिखाने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेंगे, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। 110% आप लोग ज़रूर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।